नील नदी या द नाइल रिवर, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ कई सभ्यताएं जुड़ी हैं। इसका नाम लेते ही कई संस्कृतियों की तस्वीरें उभरती हैं और ये अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से में जीवन को पालती है। ये 6,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इसकी इस महायात्रा का अंत प्राचीन मिस्र के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां से इसकी शुरुआत होती है वहां इसका रूप बिल्कुल ही अलग है। युगांडा में चौड़ी नील नदी अचानक अपना आकार बदल लेती है। ये है मर्चिसन फॉल्स। यहां ढेर सारा पानी सिर्फ 23 फीट चौड़ी एक दरार से होकर गुजरता है। लाखों सालों से यहां से गरजती हुई गुजरती रही है। ये 11 मंजिल जितनी ऊंचाई से नीचे गिरती है। इस झरने के पानी में इतनी जबरदस्त ताकत है जो शायद ही दुनिया के किसी और झरने में हो। नील नदी के सफर की शुरुआत होती है लेक विक्टोरिया से, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये नदी और इसकी सहायक नदियां अफ्रीका के 11 देशों से गुजरती हैं और फिर नील नदी आखिर में मेडिटेरेनियन सी में समा जाती है। जहां जहां से ये गुजरती है वहां जीवन दे दी जाती है। मर्चिसन फॉल्स तक पहुंचते पहुंचते ये ताकतवर नदी शांत हो जाती है और नील के कुछ सबसे नाजुक जीवों के लिए एक जन्नत जैसी बन जाती है। तितलियां यहां गरजते पानी के पास मंडराती रहती हैं। वो पोषक तत्वों से भरपूर उस मिट्टी की तरफ खींची चली आती हैं, जिसे झरने की धुंध नम कर देती है। जबकि लिजर्ड्स आसपास की चट्टानों में अपना घर बनाती हैं। इस मेल अगामा के दिमाग पर फिलहाल एक ही धुन सवार है, एक फीमेल अगामा। ये शुरू में इस मेल की पकड़ में नहीं आती। लेकिन फिर ये इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाने लगती है। जब एक और मेल इसे चुनौती देने वहां पहुंचता है
तो इन दोनों मेल्स के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। जीत इसकी हुई। ये फीमेल की पीठ पर अपना पंजा रखकर उस पर अपना दावा जता देता है। लेकिन ये सिर्फ इसी फीमेल से नहीं, बल्कि अपने इलाके में मौजूद दूसरी फीमेल्स के साथ भी मेट करेगा। नदी के इस हिस्से पर इसी का कब्जा है। ये झरना नील नदी की जबरदस्त ताकत को दर्शाता है। ये नदी के एक नए हिस्से की शुरुआत भी कही जा सकती है। ये है विक्टोरिया नाइल। यहाँ पानी फैलकर खामोशी से बहने लगता है और यहाँ जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें से कुछ दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। ये है मेल नाइल क्रोकोडाइल। इस नदी का ये सबसे बड़ा शिकारी है। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी स्पीशीज में से ये एक है। ये पिछले 20 करोड़ साल से बदला ही नहीं है। ये अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर की जान ले सकते हैं और आज इनका सामना अपनी ही स्पीशी से हो रहा है। ब्रीडिंग का सीजन शुरू हो चुका है। एक बड़ा मेल ये साबित करना चाहता है कि नदी के इस हिस्से पर और फीमेल्स पर इसी का राज चलता है। लेकिन इसके राइवल्स के दिमाग में कुछ और ही है। नाइल क्रोकोडाइल्स की लंबाई 20 फीट तक और वजन 1200 किलो तक हो सकता है। इनकी बॉडी बहुत मजबूत होती है और ये गुस्सेल भी होते हैं। ये दो पुराने राइवल्स इसके पहले भी टकरा चुके हैं। इसकी सख्त खाल में पुरानी लड़ाइयों के निशान मौजूद हैं। आज आखिरी मुकाबला है जिसके जरिए ये अपने दबदबे को साबित करेगा। अब इस नदी में इसके और राइवल नहीं है तो ये किसी भी फीमेल को चुन सकता है। विक्टोरिया नाइल के किनारों से आगे घास के बड़े बड़े मैदान शुरू हो जाते हैं जहां दूसरे मेल्स भी मेटिंग के हक को लेकर लड़ते हैं। इस हिरन के लिए ब्रीडिंग का सीजन हमेशा बना ही रहता है। ये है मेल कॉब हिरन। मेटिंग वाले इस इलाके में ये अपने झुंड के हर मेल से मुकाबला करेगा।
मुकाबले में जीतने पर इनाम बड़ा है। लगभग सारी फीमेल्स जीतने वाले के साथ ही मेटिंग करेंगी। जब एक मेल हारता है तो उसकी जगह दूसरा ले लेता है। पहले वाला हिरन लड़ते लड़ते थक चुका है। इस मुकाबले में चैलेंजर की जीत होती है। अब ये यहां का डोमिनेंट मेल बन गया है, लेकिन ये राउंड जीतने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। अगले चैलेंजर यहां पहुंच चुके हैं। इसके पास आराम करने के लिए वक्त नहीं है। मीटिंग से जुड़े अपने हक कायम रखने के लिए ये तब तक बराबर लड़ता रहेगा जब तक मीटिंग के लायक रहेगा। इधर नदी में मेल क्रोकोडाइल को ऐसी मुश्किल नहीं झेलनी पड़ती। जीत जाने पर यह फौरन ही मेटिंग शुरू कर सकता है, लेकिन अब यह अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत दिखाता है। अफ्रीका के सबसे खूंखार शिकारियों में से एक का अब एक नाजुक पहलू नजर आता है। ये खुद को बड़ा और ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए अपनी पीठ को मोड़ लेता है। फिर पानी में हल्की गरज पैदा करने के लिए ये अपनी मांसपेशियों को वाइब्रेट करता है। इससे इसके आसपास का पानी उछलने लगता है। इससे मेटिंग की इच्छा रखने वाली फीमेल्स इसके आसपास इकट्ठा होने लगती हैं। ये सब इसे प्यार दिखाती हैं, हल्के से सहलाती हैं और इससे खुद को रगड़ती हैं। फिर ये एक आकर्षक गंध छोड़ती हैं, जिसकी वजह से मेल इनसे मेट करने को तैयार हो जाता है। ये कई फीमेल्स के साथ मेट करेगा, लेकिन फिलहाल तो इसने एक को ही चुना है। अब ये दोनों कुछ दिन साथ साथ रहेंगे। ये है नाइल रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी नदी।
और इसी नदी के किनारे पर रहती है सर्वल प्रजाति की एक बिल्ली, जो घास में घुसकर एक बहुत ही जरूरी काम करने वाली है। यह अपनी माद बनाने के लिए घनी झाड़ियों या किसी और के बिल को ढूंढ रही है। यहां ये अपने तीन सेहतमंद बच्चों को जन्म देती है। फिलहाल बच्चे देख नहीं पाते हैं। इनका वजन मुश्किल से 250 ग्राम है और ये पूरी तरह लाचार है। आमतौर पर अकेली रहने वाली इस बिल्ली को एक बड़ा एडजस्टमेंट करना है। नील नदी के आसपास मौजूद घास और इसका पानी पक्षियों की कई स्पीशीज के लिए ढेर से खाने का इंतजाम करता है। इस इलाके को पसंद करने वाला एक जानवर नाइल क्रोकोडाइल जितना ही पुराना है। ये है शू बिल स्टॉक। इसका कद 3 फीट से भी ज्यादा होता है और ये घास में आसानी से नजर आता है। इसकी चोंच करीब 10 इंच लंबी होती है। ये एक चालाक शिकारी है और बिना हिले डुले पानी के नीचे मौजूद अपने शिकार का इंतजार करता रहता है। इसकी असली ताकत है धीरज। और जब इसे शिकार दिख जाता है तो ये बहुत ही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। दलदल के पानी में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए हवा लेने के लिए मछलियों को सतह पर आना पड़ता है, जिससे शूबिल को उन्हें पकड़ने का मौका मिल जाता है। इस बार कामयाबी नहीं मिली तो ये फिर इंतजार शुरू कर देता है। इसका ध्यान पानी में होने वाली आवाज की तरफ जाता है। इसे अपना ध्यान बनाए रखना होगा। आखिरकार इसे अपने सब्र का फल मिल जाता है।
अब ये आराम से इस मछली को खा सकता है। नील नदी के दलदली किनारों से थोड़ा और आगे भैंसों के बड़े बड़े झुंड चरते रहते हैं। फिलहाल ये अपने बच्चों को नदी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रास्ते में एक बाधा मौजूद है। ये है हाइनास, यानी लकड़बग्घे। ये बच्चों के लिए एक खतरा साबित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन हाइनास को एक और शिकार नजर आ गया है। डर जाने पर जैक्सन्स हार्ट बीस्ट 65 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार पर भाग सकते हैं। लेकिन आज ये जल्दी में नहीं है। आज इस मेल के पास अपने झुंड की हिफाजत के लिए भागने के बजाय एक बेहतर प्लान है। ये रफ्तार के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेगा। ये शिकारी के नजदीक पहुंच जाता है, जिसे शिकारी का ध्यान इसके बच्चों के बजाय इसकी तरफ खींच जाता है। जब तक ये इस हाइना को उलझा कर रखेगा, तब तक इसका परिवार यहां से भाग जाएगा। अपनी इस हिम्मत की वजह से इसे टाइम मिल जाता है और इसका झुंड बच जाता है। इधर भैंसें पानी पीने के लिए नदी तक पहुंच गई हैं। और यहीं नजदीक ये फीमेल क्रोकोडाइल जमीन पर पहुंच गई है। इसे मेट किए हुए 2 महीने बीत चुके हैं और इसके लिए अब वक्त है एक घोंसला बनाने का। लेकिन उससे पहले इसे कोई सही जगह ढूंढनी होगी। इसे नदी में अपने घर के नजदीक ही रहना होगा। ये इसके अंडों से निकले बच्चों के लिए एक नर्सरी साबित होगी, लेकिन ये घोंसला इतना दूर भी होना चाहिए कि इस तक न तो पानी पहुंचे और न ही ये कुचला जाए। इसे सही जगह मिल गई है। अब ये एक घोंसला बनाने की शुरुआत करती है। इसकी गहराई 1.5 फीट से भी ज्यादा होगी।
ये अपने वजन को अपने अगले पंजों पर संभाल कर अपने पिछले पंजों से खुदाई करती है। इतने बड़े मगरमच्छ को भी इस मुश्किल काम में कई घंटे लग जाते हैं। अब ये आराम कर सकती है और बाकी काम अब नेचर करेगा। ये अंडे देना शुरू करती है। काम खत्म हो जाने पर ये उनको मिट्टी से ढक देती है, लेकिन उन्हें ढकते वक्त ये ध्यान रखती है कि एक भी अंडा टूटे नहीं। घोंसले में अंडे की पोजीशन से उसके तापमान में फर्क आता है और इस फर्क से ही ये तय होता है कि कौन से अंडे में से मेल निकलेगा और कौन से में से फीमेल। कुछ डिग्री का भी फर्क होने से मेल और फीमेल के बीच का फर्क पैदा हो सकता है। इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अब ये निगरानी शुरू करेगी जो इसके धीरज का पूरा इम्तिहान लेगी। सर्वल मां अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार कर रही है। बच्चे पैदा होने से पहले के मुकाबले अब इसका दुगना टाइम और मेहनत इस काम में खर्च हो रहे हैं। ये माहिर शिकारी अपना काम बहुत अच्छी तरह जानती है। इसे पता है कि अगर ये अपनी सेंसेस पर भरोसा करे तो नदी इसके लिए मेहरबान साबित हो सकती है। सतह की तरफ आती बार्बल फिश इसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इससे इसके बच्चों का पेट भर जाएगा। नील नदी के किनारों पर जब सूरज निकलता है और टेम्परेचर 35 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब गर्मी पसंद करने वाली इस मां को भी धूप से बचने की जरूरत महसूस होती है और इसके लिए ये बार बार ठंडे पानी में लौट आती है।
लेकिन घोंसला छोड़ने से इसके अंडों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अंडे पसंद करने वाले शिकारी इसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। ये है एक नाइल मॉनिटर, अफ्रीका की सबसे बड़ी लिजर्ड्स में से एक। ये करीब करीब हर जानवर को खा लेती है। मां क्रोकोडाइल को नहीं मालूम कि इसके अंडे खतरे में हैं। मॉनिटर की तेज नाक बड़ी आसानी से पौष्टिक अंडों की गंध का पता लगा लेती है। ये दो अंडे उठाकर यहां से खिसक लेती है। इस तरह के जानवरों की वजह से भी मगरमच्छ इतने सारे अंडे देते हैं। अब ये मां बस बाकी बचे अंडों को बचाने की कोशिश ही कर सकती है। नील नदी इतनी बड़ी है कि ये जहां जहां से गुजरती है वहां अलग अलग तरह के इलाके बनाती जाती है। इक्वेटर की तेज गर्मी पानी की सतह को बहुत गर्म कर देती है, जिससे नील नदी की नमी हवा में उड़ने लगती है। बादल जल्दी बनते हैं और बारिश के आने से पहले ही ये नील के आसपास वाली जमीन की प्यास बुझा देते हैं। इससे एक बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट बन जाता है, एक रेन फॉरेस्ट का। यहां हम इंसानों के सबसे करीबी रिलेटिव्स चिंपैंजीज रहते हैं। इनके फैमिली ग्रुप्स में 100 तक चिंपैंजीज हो सकते हैं। ये ग्रूमिंग के जरिए आपस में मिलते जुलते हैं और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो बच्चों को सीखना होता है। साथ ही इन्हें पेड़ों पर चढ़ना भी सीखना होता है और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन किसी भी बच्चे की तरह सबसे जरूरी सबक होता है कि कैसे सही खाना चुना जाए। बच्चे ये काम सीखने के लिए अपनी माँ पर डिपेंड करते हैं। सबक सीखने का इनका ये सिलसिला 3 साल से भी ज्यादा तक चलता रहता है। इन्हें ये भी जानना होता है कि क्या खाया जा सकता है और ये भी पहचानना होता है कि कौन सी चीज जहरीली है।
बड़े होने के दौरान चिंपैंजी की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जंगल में खाना ढूंढने में खर्च होता है। जंगल को इनकी फूड प्लेट कहा जा सकता है। अपनी जिंदगी के दौरान चिंपैंजी पौधों, बीजों और फलों की 300 स्पीशीज खा सकते हैं और इनके दिन का ज्यादातर हिस्सा इसी काम में बीतता है। रेन फॉरेस्ट में खाना हमेशा मौजूद रहता है, बशर्ते आप ये जानते हो कि ये मिलेगा कहां। इधर नील नदी के किनारों पर मगरमच्छ के बच्चों के लिए जिंदगी के एडवेंचर की अभी बस शुरुआत हो रही है। अंडों से बाहर निकलते हुए बच्चे जोर जोर से आवाजें निकालते हैं, जिससे माँ को पता चल जाता है कि उसका काम खत्म हुआ। आगे का काम बच्चों का है। अब इन्हें अंडों को तोड़कर खुद को आजाद करना होगा, वरना इनका दम घुट जाएगा। इस काम में इनकी मदद करता है एक एग टूथ। ये दांत नहीं होता, बल्कि ये इनके ऊपरी जबड़े पर मौजूद सख्त खाल का एक टुकड़ा होता है। इससे शेल कट जाता है और फिर बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी इस दांत से शेल कटता नहीं और मां को मदद करनी पड़ती है। वो शेल को अपने मुंह में लेकर तोड़ती है। इसके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं, फिर भी ये इतने नाजुक काम को सही सही कर डालती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जब बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं तो मां को उन्हें नदी तक पहुंचाना होता है ताकि वो सेफ रहें। और इस काम का सबसे तेज तरीका वो है जो सबसे खतरनाक मालूम होता है। ये एक के बाद दूसरे बच्चे को अपने बड़े बड़े दांतों के बीच बहुत नजाकत से उठाती है। बच्चे भी समझ जाते हैं कि मां इन्हें बचाने ले जा रही है। लेकिन ये एक बार में करीब 15 बच्चों को ही ले जा सकती है। तो कुछ पीछे ही छूट जाते हैं।
जो बच्चा अंडे से बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो खुद को एक बार फिर खतरे से घिरा पाता है। और बस नाइल मॉनिटर को सही मौका मिल जाता है। वो बच्चे को देख तो पा रहा है, पर इस बार उसे मां को चकमा देकर बच्चे तक पहुंचना होगा। और इसमें रिस्क बहुत है। अब ये अपने बच्चे को नदी तक ले जा सकती है। अपने बच्चों को पानी तक ले जाने में इसे कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है। अब ये लाचार बच्चों से जानलेवा रेप्टाइल्स बनने की लंबी ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे। यहां नील नदी के किनारों पर सिर्फ मां क्रोकोडाइल ही अपने कई बच्चों की परवरिश नहीं कर रही है। नदी से थोड़ी दूर किनारे पर ये रॉथचाइल्ड जिराफ्स भी अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। जिराफ के झुंड की सभी मादाएं बच्चों को पालने में मदद करती हैं। एक मेंबर झुंड को कंट्रोल करता है और बाकी पास ही चरते रहते हैं। पूरा झुंड एक साथ बच्चों को दूध पिलाता है और चरते हुए आगे बढ़ता रहता है। ये दोनों जिराफ्स अभी पूरी तरह बड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन बड़ों वाली एक खास हरकत कर रहे हैं। इसे नेकिंग कहते हैं, जिसमें ये एक दूसरे के साथ अपनी गर्दन को टकराते हैं। अपना दबदबा जताने के लिए ये लड़ाई में अपनी गर्दनों का ही इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों एक दूसरे की ताकत को परख रहे हैं।
जीतने वाले को मेट करने का हक हासिल होगा। मेल्स अपने सींगों से वार करने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरे के हमले से बचते हुए फिर टक्कर देने की तैयारी करने लगते हैं। ऐसी ज्यादातर फाइट्स में कोई खास चोट नहीं लगती, लेकिन इसमें जबड़े या गर्दन टूट सकते हैं, यहां तक कि जान भी जा सकती है। इनके लिए ये फाइट एक प्रैक्टिस जैसी है जो बड़े होने पर इनके काम आएगी। इधर नदी में मौजूद अपनी नर्सरी में ये माँ अपनी बढ़ती हुई फैमिली से घिरी हुई है। ये करीब 2 साल तक अपने बच्चों के साथ रहकर उन्हें एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेगी। बच्चे पानी में उतरकर आसपास के अपने नए इलाके को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इन्हें अपना पेट भरना सीखना होगा, और वो भी खुद को बिना किसी की खुराक बनाए हुए। मगरमच्छ का जो बच्चा पहले स्ट्रगल कर रहा था, अब वो अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। इसके इरादे बहुत बड़े हैं, पर ये उतना खतरनाक नहीं है जितना ये खुद को समझ रहा है, कम से कम अभी तक तो नहीं। पर ये भी शिकार करने में उस्ताद हो जाएगा। अपने माहौल में छिपकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सही वक्त पर हमला करके आखिरकार इस बच्चे ने अपना पहला शिकार कर ही लिया। लेकिन इसके भाई बहन अभी ये काम नहीं सीखे। नील नदी के किनारों पर जिंदगी फल फूल रही है, मौसम आते जाते रहते हैं, पर नदी की हस्ती बनी रहती है। ये आने वाली हर नई जनरेशन को पालती रहती है। सर्वल माँ ने अपने बच्चों को जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत दी है। ये उन्हें कुछ और महीने दूध पिलाएगी और पूरा 1 साल तक इनके साथ रहेगी। नील नदी अपनी ताकत से हमेशा बदलता रहने वाला एक रास्ता बना दी जाती है।
लेकिन इस नदी की एक निशानी कभी नहीं बदलती। इस मां क्रोकोडाइल ने अपना रोल अदा कर दिया है। दो साल गुजर गए हैं, अब इसके बच्चे बड़े हो गए हैं। ये अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और ये भी नदी के इस हिस्से पर उसी तरह राज करेंगे जैसे इनकी पिछली कई पीढ़ियां करती आई हैं।